सना मकबूल ने विशाल को बहुत ही अच्छे से एक टॉपिक को लेके समझाया है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार किस रीज़न को लेके विशाल को वो समझाती हुई नज़र आ रही है, और आप लोग पूरी गॉसिप सुनने के बाद आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस गॉसिप के ऊपर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस गॉसिप को करने के बाद लास्ट में मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, यानी कि आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अब रही बात सना मकबूल की, सना मकबूल काफ़ी अच्छी वाइब जो है वो शेयर कर रही है लवकेश के साथ, शिवानी के साथ और विशाल के साथ। अभी जो 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 अरमान मलिक है वो लगातार जो है एक चीज़ को ड्रैग किए जा रहा है, एक तो थप्पड़ को लेके, थप्पड़ उसने मारा और उसके बदले जो है वो घर में ही रह गया, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है कि पता है तेरा मुंह बहुत अच्छा लगता है ना मुझे, तुझे पता ना किस लिए मुझे अच्छा लगता है, ऐसे कमेंट करता है। यानी कि इसने बहुत महानता का काम किया है थप्पड़ मार के, विशाल को थप्पड़ मार के बहुत महानता का काम किया है, लगातार जो है विशाल को उंगली करता रहता है वही वाले टॉपिक को लेके। इस टॉपिक को लेके जो है इवन डिस्कशन रूम में भी बैठ के उंगली कर रहा था, जहाँ पर सना मकबूल ने भी अरमान को भी बोला कि भाई अभी बस हो गया, मतलब कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा मत खींचो, वो भी सामने से नहीं बोलेगा आप भी इतना ज़्यादा मत बोलो। अभी इस चीज़ को विशाल को भी समझा रही है कि देख तू भी इतना ज़्यादा अब उस चीज़ को ड्रैग मत कर, उस चीज़ को दिमाग में मत ले। क्या होता है कि देख जैसे कि इसने चंद्रिका ने आके मुझे मसाज के बारे में बताया, जब वो आके बताया मुझे इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगी, पर बाहर उस चीज़ का बवाल हुआ होगा कि उसके ऊपर जो है बात करने के लिए उसके घर से कोई फैमिली मेम्बर भी आ गया, उसकी दोस्त भी आ गई, और जो मतलब कि तूने जो बोला चल ठीक है तू बोलता कि मैंने उस सेंस में नहीं बोला, पर बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग सेंस लगा, काफ़ी अलग गलत तरीके से लगा, जो कि उसकी फैमिली मेम्बर भी उठ के आए और उन्होंने यहाँ पर आके उस चीज़ के बारे में बताया। तो हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ बाहर कैसी लग रही है और यहाँ पर हम कैसा बोल रहे हैं। सना मकबूल बहुत ही सही बात बोल रही है, बहुत ही अच्छा बोल रही है, जहाँ पर विशाल ये चीज़ समझते हैं और विशाल जो है बोलते हैं कि ठीक है मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान दूंगा, और अपनी लव स्टोरी सुनाने लग जाते हैं सना मकबूल को कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। अब मेरी बात रही, एक बात तो ये है कि साई केतन के मसाज वाला और चंद्रिका के मसाज वाला कोई भी मुद्दा जो है सोशल मीडिया पर उठा ही नहीं था, और तो और जो ये विशाल ने जो भाभी के बारे में कुछ बोला कान में, ये भी मुद्दा नहीं उठा था, कुछ भी हल्ला नहीं मचा था। ये हल्ला जो है मचाया खुद पायल मल्लिक ने, अपना पेट नंगा करने के लिए वो खुद जो है बिग बॉस की स्टेज पे आई। बिग बॉस ने बोला कि भाई ये बाहर जो है इतनी सब चीज़ें करती है तो क्यों ना अब इसको एक मैटर दिया जाए और ये जो है बवाल खड़ा करे, तो हम भी तो बाहर से गेम खेलते हैं। तो उन्होंने इस तरीके की गेम जो है वो खेली, और अभी पायल मल्लिक को बुलाएंगे तो फिर लोग उंगली भी तो उठा सकते हैं, तो इसीलिए साई केतन की भी गर्लफ्रेंड को बुला लेते हैं, तो उसको बुला लेंगे तो उसको भी बता देंगे, तो कुछ लोग जो है अगर इसमें उलझेंगे तो इसमें भी उलझ के चुप हो जाएंगे, ज़्यादा कोई इस बात को ड्रैग नहीं करेगा, खींचेगा नहीं, इसीलिए अपने बचाव में जो है उन्होंने ऐसी चीज़ें की है। पर बाहर वही चीज़ दिखती है जो बंदा इंसान अंदर बोलता है, पर जिस तरीके से जो है विशाल ने बोला गिल्टी है वो वैसा ही नज़र आ रहा है, चाहे विशाल कितना भी बोले। पर मेरा कहना का मतलब ये है कि भाई विशाल ने कुछ गलत बोला ही नहीं, अगर उसकी फीलिंग है, अगर उसको कृतिका अच्छी भी लग गई भाई तो उसमें गलती क्या है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। क्या किसी की बीवी पसंद नहीं आ सकती? हाँ, बीवी को जाके उसका दिमाग ख़राब करना, उसको बोलना कि तू मेरे साथ प्यार में पड़, तू इतनी सेक्सी है, ये है, उसको छेड़ना, उसको बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से देखना, वो चीज़ गलत है। फिर तो पति जो है वो ऑफकोर्स थप्पड़ मारेगा ही मारेगा, पर आप बस एक इंसान आपको अच्छा बोल रहा है कि आप अच्छी हैं, उस इंसान को आप जाके थप्पड़ मार रहे हैं, तो भाई तुम कहाँ के हो, तुम तो मतलब कि बद बद दिमाग हो, ये चीज़ मुझे पता चली इनकी। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर।